नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजन तिवारी। जैसे कि आपको पता है कि CBSE ने क्लास 10 का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया है, लेकिन क्लास 10 के बच्चों का रिजल्ट किस प्रकार से बनेगा, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, बच्चों को किस प्रकार से नंबर दिए जाएंगे, इन सभी क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए आज हमने हमारे चैनल पर आमंत्रित किया है सर ब्रजेश सिंह, जो कि एक CBSE एक्सपर्ट है, उनको हमने आमंत्रित किया है। उनसे जानते हैं कि CBSE ने जो पॉलिसी नोटिफिकेशन दिया है, जो सर्कुलर जारी किया है, उसका क्या मीनिंग है, वो क्यों जारी किया है और उसके पीछे CBSE का क्या उद्देश्य है। सर ब्रजेश सर नमस्कार सर, और आपके सभी ज्योतिष मंथ के दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर जैसा कि आपने जो क्वेश्चन किया कि नोटिफिकेशन की क्या अहमियत है या ये क्यों यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन मिला है, मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि ये सबसे ज़्यादा जो हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा सॉल्यूशन जो है, जो इस कोरोना काल में, जो इस पैंडेमिक टाइम में जो आपको CBSE प्रोवाइड करवा रहा है, जिससे आप अपने रिजल्ट को, जो क्लास 10th का रिजल्ट है, उसको आप अच्छे से आप बना सकें। ऐसे हर चीज़ और ऐसे हर एक पॉइंट पर वहाँ पे आपको पूरा प्रकाश डाला गया है कि जहाँ पर आपको यहाँ पे सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप उसको सॉल्व कर सकें। इस नोटिफिकेशन का मकसद ये है, इसमें पूरा क्लियर तरीके से ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर वहाँ पे वो अप्लाई करता है या कोई आपको एग्ज़ाम देता है, अगर नहीं देता है या कोई स्कूल को कोई प्रॉब्लम हो रही है या चल रहा है, तो वो कैसे डील कर सकता है, तो इस नोटिफिकेशन में सारी आपको वो जानकारी आपको दी गई है। और हालांकि आपको पता है कि जो भी देश का हाल चल रहा है, हर कोई CBSE स्कूल या कोई भी स्कूल अपने तौर पर एग्ज़ाम्स करवाने में काफ़ी मुश्किलें वहाँ पर उनको हो पा रही हैं, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो इस नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिलेगा। ठीक है सर, तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखते हुए आज आपको मैं आपको बताऊंगा भी, ठीक है, जैसे आप मुझे आपसे जो भी आप मुझे आप बोलेंगे, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन की अहमियत बहुत ज़्यादा है स्कूलों के लिए, CBSE स्कूलों के लिए, और इससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप उनके साथ बिल्कुल ही अनबायस तरीके से उनकी आप मदद कर सकते हैं, उनका रिजल्ट फॉर्म कर सकते हैं सर। तो ये ऑब्जेक्टिव है इसका, हमारे नोटिफिकेशन का सर। सर इसमें एक जो चार कीवर्ड दे रखे हैं, उनके ऊपर कुछ प्रकाश डालिए, क्या मतलब है इनका। हाँ सर, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे आपने जो चार कीवर्ड की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, जो चार कीवर्ड हैं, जो आपने बोला कि हमारे इसमें क्या होना चाहिए, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यहाँ पे इसमें क्या रिलायबिलिटी होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, और हमारे पास की वैलिडिटी होनी चाहिए। सर इन चार वर्ड्स की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ आप काम करेंगे तो उसको फेयर, उसकी वैलिडिटी होना, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है और कितना वो हम उस पर डिपेंड कर रहे हैं, वो चीज़ के ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस देते हैं। आप रिज़ल्ट की बात करते हैं, आप रिज़ल्ट में क्या होता है सर, आपको भी पता है कि अगर रिज़ल्ट में कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे हो जाए तो बच्चे को बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इस पूरे नोटिफिकेशन में ये चार चीज़ जो हमारे कीवर्ड्स आपने जो मुझसे भी आप पूछ रहे हैं, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को पॉइंट्स में रखते हुए, सारे नोटिफिकेशन को जो भी इसमें पॉइंट्स है सबको तैयार किया गया हुआ है। CBSE जो है हमारा, उसने आपको हर एक चीज़ पे, हर एक पॉइंट पर, हर एक जगह, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्रकाश डाला है कि आप कैसे हर चीज़ को आप अच्छे से फॉलो कर सकें और कैसे आप उस चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं सर, ताकि आप सब चीज़ों को एक फेयर तरीके से आप कंडक्ट करवा सकें सर। सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये जो चार पॉइंट आपने जो बताए हैं, इनको ध्यान में रखते हुए हम बच्चों का असेसमेंट किस प्रकार से कर पाएंगे। सर मैं आपको एक सिंपल सा आज बताता हूँ। देखिए अगर आप असेसमेंट की बात करते हैं तो आप उस नोटिफिकेशन में जाएंगे, ठीक है, तो उस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है कि यूनिट वन से आपको कितने का वेटेज लेना है, 10 का वेटेज लेना है, ठीक है। आपको टर्म वन से कितने का वेटेज लेना है, आपको वेटेज लेना है कितना, 30, और आपको जो प्री बोर्ड आपके इसमें हुए हैं, आपको उसमें से कितना लेना है, 40। तो 10 प्लस 30 प्लस 40, तो टोटल कितना हो गया सर, 80 का वेटेज हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपको एक स्कूल के मेंबर की तरह बताता हूँ कि हमको करना क्या है, ठीक है। अभी आप जैसे आगे पॉइंट्स पर जाएंगे तो आपको एक कमेटी के बारे में पता लगेगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको असेसमेंट के बारे में बता रहा हूँ एज अ टीचर, ठीक है। देखिए क्या होगा, मान लीजिए अगर मैं काम कर रहा हूँ मैं असेसमेंट पे, तो मैं एक एक्सेल शीट तैयार करूँगा। आप मान लीजिए कि मैं एक ए स्कूल में काम करता हूँ,
ठीक है, ए स्कूल में काम करता हूँ, वहाँ पे हम लोगों ने एग्ज़ाम्स करवाए हमारे, एक तो हमारा यूनिट वन करवाया हमने, फिर हमने टर्म वन करवाया, ठीक है, फिर हमने यूनिट टू करवाया, फिर हमने प्री बोर्ड वन करवाया और फिर हमने प्री बोर्ड टू करवाया, ठीक है। यहाँ मान लीजिए हमने यहाँ पे चार एग्ज़ाम्स करवा लिए, यूनिट वन करवा लिया, टर्म वन करवा लिया, ठीक है, सॉरी यूनिट वन करवा लिया, टर्म वन करवा लिया, फिर यूनिट टू करवा लिया, फिर प्री बोर्ड वन, प्री बोर्ड टू, मीन्स पाँच करवा लिया, सॉरी, है ना, पाँच करवा लिया। अब क्या होगा, मुझे 10 का वेटेज चाहिए। अब उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि यूनिट में से आपको क्या लेना है, 10 का वेटेज लेना है, ठीक है। आप चाहें तो जो यूनिट वन हुआ था और जो यूनिट टू हुआ था, आप चाहें तो उन दोनों का एवरेज ले सकते हैं, या तो आप उसमें से बेस्ट वाला जो है, बेस्ट ऑफ टू में से जो भी बेस्ट मार्क्स आ रहे हैं आप वो ले सकते हो आप, ठीक है। और उसका आप क्या करोगे, फिर आप उसका 10 का वेटेज निकालोगे स्टूडेंट का, ठीक है। अब ऐसे टर्म वन की बात करते हैं हम लोग, टर्म वन में जो बच्चे के मार्क्स आए, ठीक है, अब बच्चे के मार्क्स जो आए हैं, जो भी कुछ आए, हम उसमें से कितना निकालेंगे, 30 का वेटेज। अब यहाँ पे बात चलती है प्री बोर्ड वन और प्री बोर्ड टू की बात चलती है, ठीक है। तो जैसे आप यूनिट वन और यूनिट टू में कर रहे थे, वैसे ही आप प्री बोर्ड वन और प्री बोर्ड टू में भी आप कर सकते हैं सर, ठीक है। तो वहाँ से आपको कितने का वेटेज मिलेगा, आपको 40 का वेटेज मिलेगा सर। और कई बार क्या होता है सर, जैसे आपने स्कूल को देखा हो, कई स्कूल्स के कि एग्ज़ाम्स जो है, जैसे किसी ने यूनिट वन नहीं करवाया, सॉरी किसी ने यूनिट वन करवाया, यूनिट टू नहीं करवाया है, तो आपके पास यूनिट वन तो है ना, आपके पास फिर टर्म वन है, आप प्री बोर्ड से भी आप ले सकते हो, मीन्स आपको सारा असेसमेंट इन एग्ज़ाम्स के तौर पर आपको करना पड़ेगा सर। तो ये आपको, जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने एक्सेल शीट बनाऊँगा, उसमें रोल नंबर लिखूँगा, बच्चों के नाम लिखूँगा, पूरा डेटा बनाऊँगा, मार्क्स एंट्री करूँगा उसमें, और पूरा का पूरा वेटेज के हिसाब से मुझे वहाँ पे निकल आएगा सर। इसका मतलब इन शॉर्ट ये कह सकते हैं हम लोग कि जो यूनिट टेस्ट है, यानी जिसको हम पीटी बोलते हैं, तो उसमें से हमको 10% लेना है, 10% का वेटेज लेना है, जो हमारा टर्म है उसका हमको 30% लेना है, और जो हमारा प्री बोर्ड है, चाहे वो 1, 2, 3 जितने भी हमने लिए, उनका या तो हम सबको मिक्स करके, यानी कि हम एवरेज निकाल लें, या फिर उनमें से कोई एक लेके उसका 40% लेना, यही करना है ना? जी हाँ, जी हाँ, जी सर। जैसे कि आपने अभी जो पूरा प्रक्रिया समझाई है कि असेसमेंट इस तरह से करना है, तो इस असेसमेंट जो हमको करना है, वो किसी कोई बॉडी के अंडर करना है, या मतलब कोई जो CBSE के कोई ऑफिशियल हमको नियुक्त किए जाएंगे जिसके अंडर में हमें सब काम करना है, या फिर स्कूल अपने लेवल पे ये सब कुछ कर सकता है? देखिए सर, जी सर, ज़रूर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सर, CBSE जो भी काम करता है सर, आपको पता है, एक बड़े परफेक्शन के साथ करता है, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन में परफेक्शन पर भी ज़्यादा ध्यान दिया गया हुआ है। आप जैसे आप कमेटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए स्कूल का जो प्रिंसिपल रहेगा वो हेड रहेगा, पहली बात तो ये। फिर उनके अंडर क्या 5 टीचर्स ऐसे रहेंगे जो कि मेन सब्जेक्ट के रहेंगे, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, ठीक है सर। और 2 टीचर ऐसे रहेंगे जो दूसरे स्कूल से रहेंगे, ठीक है, 2 स्कूल से रहेंगे। लेकिन इसमें सारी कमिटीज़ को जो संभालेगा, जो हेड है, वो उसको कंडक्ट करेगा पूरे अच्छे तरीके से। जहाँ तक आपने ऑफिशियल्स की बात करी, उस नोटिफिकेशन में कहा गया कि जो CBSE है, ठीक है, वो आगे जाके ऑफिशियल्स को भी अपॉइंट कर सकता है पूरे वेरिफिकेशंस के लिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी जानकारी हमको, जो हमारे इसमें आप एक फॉर्म, आप नोटिफिकेशन में देखें, वहाँ पे एक रैशनल डॉक्यूमेंट करके है, उसमें पूरी डिटेल दी गई कि कितने सदस्यों को आप वहाँ पे, आप उनका आपको नाम भेजना पड़ेगा विद सिग्नेचर, वो सारा डिटेल वहाँ पे दिया। तो जो आप बॉडी की बात कर रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पे 5 टीचर्स जो इंटरनल रहेंगे और जो 2 टीचर्स रहेंगे वो बाहर से रहेंगे। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ सर। मान लीजिए सर, जो 2 टीचर्स हैं, ठीक है, मान लीजिए मैं ए स्कूल का टीचर हूँ और सामने वाला बी स्कूल का टीचर है, ठीक है, तो मैं एज अ हेड, चलिए मैं एज अ हेड, अगर मैं दूसरे स्कूल के टीचर्स को ले रहा हूँ, ठीक है, लेके 2 टीचर्स ले लिया मैंने बी स्कूल के टीचर से, बट बी जो स्कूल है वो मेरे टीचर्स को नहीं ले सकता। मतलब इंटरचेंज नहीं कर सकते टीचर्स का? हाँ, इंटरचेंज नहीं कर सकते आप, मींस वो किसी और स्कूल के उससे ले सकता है, बट मैं नहीं ले सकता, मतलब मैं तो ले सकता हूँ, बट वो नहीं ले सकते, ठीक है। तो हम इंटरचेंज नहीं कर सकते सर। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो उसमें इसमें हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। और सर एक और चीज़ है, जो भी टीचर्स ये रहेंगे, ठीक है, आपको पता है कि उनके जो वार्ड है, जो उनके कोई ऐसा कोई रिलेशनशिप ना निकले जो इस सब चीज़ पे इफेक्ट डाले। आपको पता है कि जिनके बच्चे भी अगर होते हैं तो वो लोग इसमें करेक्शंस में या एग्ज़ाम्स ड्यूटी में नहीं रहते हैं, आपको पता होगा, है ना। तो इसमें भी यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट है जो देखिए ध्यान में रखना है सर। तो कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने स्कूल से, जिस स्कूल में आप हैं, उसके 5 टीचर्स और 1 प्रिंसिपल होंगे,
दो टीचर किसी दूसरे स्कूल के होंगे, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि आप अपने जो टीचर को उनसे एक्सचेंज नहीं कर सकते, मतलब उधर के टीचर को इधर और इधर के टीचर को उधर नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसमें बाइस हो जाएगा अगर ऐसा करते हैं तो, इस कारण से शायद ऐसा रखा होगा, है ना। हाँ मीन्स हम वहाँ से ले सकते हैं अगर हम वहाँ से लेना चाहते हैं, बट वो हमारे उससे नहीं ले सकते। मान लीजिए कोई ऐसा वन में ही चले, दूसरा क्वेश्चन था मेरा, मान लीजिए कोई ऐसा स्कूल है जिसके दो तीन स्कूल है, मतलब जैसे ग्रुप ऑफ स्कूल होता है, दो तीन स्कूल है, तो क्या उन दोनों स्कूल आपस में टीचर एक्सचेंज कर सकते हैं क्या? सर देखिए ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है सर, है ना सर, मैं ये आपको अपने तौर पे आपको बता रहा हूँ मैं सर, मेरा जो पर्सनल मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरा क्योंकि आज आपने मुझे ऐसा एक्सपर्ट ही मैंने आपको बोला है, आपने मुझे बताया, तो ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है सर, है ना, तो बेटर है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाके आप दूसरे स्कूल्स को आप देखोगे सर। प्रोविडेट है मतलब नहीं ले सकते, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट स्कूल्स हैं तो उन स्कूल के टीचर को आप नहीं ले सकते। हाँ बेटर है सर, क्योंकि आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है ना सर, ब्रांचेस भले आपकी ऑल ओवर इंडिया में हो गए, है ना, नहीं तो अगर आप ऐसा करेंगे तो वहीं स्कूल्स में ही आपके रिजल्ट्स ही इधर उधर होते रहेंगे, तो बेटर है कि आप दूसरे स्कूल्स को आप लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर सर। चलिए तो हमको समझ में आया, हम अब ये जानना चाहेंगे कि इस में जैसे आपने देखा होगा कि हर स्कूल का अपना एग्ज़ाम लेने का तरीका अलग अलग होता है, कोई 40 मार्क्स, कोई 10 मार्क्स, कोई 20 मार्क्स, हर तरह से अलग अलग उनका मार्किंग स्कीम भी होती है, अलग अलग तरीके भी होते हैं, तो क्या CBSE ने कोई कॉमन क्राइटेरिया इसके लिए बनाया है कि सभी स्कूल के जो टीचर्स हैं सभी स्कूल एक जैसे फॉलो करेंगे, ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर है, आपको मैं एक चीज़ के पॉइंट पे आपको बताता हूँ सर, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी 10 का वेटेज, 20 का जो 30 का वेटेज, 40 का वेटेज, है ना, जो असेसमेंट की बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है। अब मान लीजिए सर हमने यूनिट करवाया 40 मार्क्स का, ठीक है, किसी और स्कूल ने करवा लिया यूनिट 30 मार्क्स का, तो इसलिए सर कॉमन क्राइटेरिया तो यही हो गया ना कि उस नंबर को लेके हमें वेटेज में कन्वर्ट करना है ना, तो ये कॉमन क्राइटेरिया उसमें अंडर में आ गया कि हमें ये सारी चीज़ों को ध्यान रख के इसमें काम करना पड़ेगा। सर मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि जैसे इसमें मेंशन किया गया है अपने जो सर्कुलर है उसमें कि तीन कैटेगरी के जो एग्ज़ाम्स हैं जिसे PT है, टर्म है और प्री बोर्ड है, इन तीन कैटेगरी के एग्ज़ाम है, सपोज करिए कि किसी स्कूल ने ये तीनों तरह के एग्ज़ाम में से कोई एक एग्ज़ाम नहीं करवाया, या फिर किसी बच्चे ने इन तीनों कैटेगरी के एग्ज़ाम में किसी एक कैटेगरी या दो कैटेगरी के एग्ज़ाम नहीं दिए, तो उस कंडीशन में स्कूल या स्टूडेंट को क्या करना होगा? सर मैं आपको बताना चाहूँगा जो रिज़ल्ट कमेटी बनेगी आपकी, ठीक है, जो स्कूल के एक कमेटी बनेगी, जो मैं अभी आपको बताया था मैंने एक प्रिंसिपल और 5 टीचर्स के बारे में और 2 टीचर्स के बारे में एक्सटर्नल, उनका सबसे बड़ा रोल रहेगा इन टॉपिक्स पे भी सर। मान लीजिए आप जब ये नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे, है ना, तो आप देखेंगे कि उसमें ये भी ऑप्शन दिया हो कि जिनका यूनिट नहीं हुए वो कैसे कंडक्ट करवाना चाहते हैं एग्ज़ाम, वो करवा सकते हैं, ठीक है सर। हाँ मतलब जो एग्ज़ाम मान लीजिए यूनिट नहीं हुआ है, आप ये रिज़ल्ट कमेटी बॉडी के ऊपर रहेगा कि वो क्या चाह रहे हो कि वो यूनिट को कैसे कंडक्ट करवा लें ताकि बच्चों का असेसमेंट हो सके उसके हिसाब से। और मुझे लगता है सर, मैं आई एम प्रीटी श्योर सर कि CBSE स्कूल्स सो मैनी कि जिन लोगों ने अपने एग्ज़ाम्स को ज़रूर कंडक्ट करवाया होगा सर, मुझे लगता है कि बहुत ऐसा नहीं होगा कि नहीं करवाया, मुझे ज़्यादा लगता है कि हमारे यहाँ CBSE उसने फॉलो किया होगा। स्कूल ने तो करवाया है, लेकिन क्या कभी कभी कोई बच्चा एबसेंट हो जाता है, नहीं दे पाता कोई एग्ज़ाम, उस कंडीशन में मैंने आपसे पूछा था। जी हाँ, अगर सर बच्चा अगर एबसेंट होता है ये तो चलिए ठीक है, हमने एग्ज़ाम्स ना कंडक्ट करने का, अब बच्चा अगर एबसेंट होता है तो आप एक और पॉइंट पढ़ेंगे कि जैसे आप बच्चे से कॉन्टेक्ट कीजिए और आप उसका असेसमेंट लीजिए, तो यही जो मैंने आपको कहा ना कि रिजल्ट कमेटी जो रहेगी, ठीक है, ये उस पर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है या जो भी कुछ है वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है उसको हम कैसे उसको डील करेंगे, तो उसका असेसमेंट आप कर सकते हैं। सर एक कंडीशन और भी आ सकती है कि सपोज करिए कि उस दौरान बच्चे का किसी प्रकार से तबीयत खराब थी या कुछ था, उनसे तीनों ही एग्जाम नहीं दिए, तीनों कैटेगरी के कोई भी एग्जाम नहीं दिए, उस कंडीशन में क्या बच्चे को फेल मान लिया जाएगा? सर फेल देखिए वो ये है कि फेल आप जैसे आपने अगर कोई डिसेबिलिटीज़ है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना, तो आप उसका असेस कर सकते हैं, ठीक है, आप या तो उसका पोर्टफोलियो जो आपने सब्जेक्ट आपने उसने मंगवाया होगा एनरिचमेंट, बट आप जो भी आप करोगे उस बच्चे के लिए, ठीक है, या कुछ भी कोई भी चीज़ अगर ऐसी होती है आपको मेंशन करना पड़ेगा उस रैशनल डॉक्यूमेंट में सर। ओके मतलब रीज़न देना पड़ेगा कि आखिर उसने क्यों नहीं एग्जाम दिया। बिल्कुल बिल्कुल आपको इसमें रीज़न बताना पड़ेगा आपको, मीन्स रिजल्ट कमेटी का जो आपको रैशनल डॉक्यूमेंट आपको जो नज़र आएगा आपका, अगर आप अपने स्क्रीन पे भी जब दिखाएंगे, ठीक है, तो उसमें वहाँ पे आपको एक कॉलम नज़र आएगा
तो आपने कैसे असेस किया, क्या बच्चे का क्या प्रॉब्लम था, ठीक है, क्या उसने सब्जेक्ट एनरिचमेंट या सब चीज़ों के आपने कैसे असेस करके उसको मार्क्स दिए, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको बतानी पड़ेगी। सर क्या ऐसा हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में जो अभी ड्यूरेशन हमको दी है 25 जून से पहले 25 मई से पहले की जो ड्यूरेशन दी, क्या उसमें हम कोई ऑफलाइन ऑनलाइन किस टाइप से कोई एग्जाम ले सकते हैं क्या उस बच्चे का? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं सर, बिल्कुल ले सकते। मैंने वही कहा आपसे, जो असेसमेंट कमेटी रहेगी, जो मतलब जो वहाँ पे जो असेस करेगी रिजल्ट कमेटी, ठीक है, वो एग्जाम्स कंडक्ट करवा सकती है सर। सर मुझे मुझे एक प्रॉब्लम थी कि ये जो इंटरनल मॉडरेशन होता है वो क्या चीज़ होता है, ये किस प्रकार से वर्क करता है सर? सर ये अगर मैं इंटरनल मॉडरेशन की बात करूँ सर, मैं आपको सिंपल तौर में ही समझाऊंगा मैं इसको सिंपल वे में। देखिए वैसे तो ये टॉपिक ऐसा टिपिकल नहीं है, लेकिन उसको पढ़ना ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं आपको ओरली बात करूँ, इंटरनल मॉडरेशन की बात करें, ठीक है, जैसे आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको कोई भी चीज़ को अगर मॉडिफाई करना है या देखना है, ठीक है, या आपका स्कूल जो कर रहा है क्या वो सही कर रहा है, क्या आपके स्कूल में पहले से ज़्यादा कम आए कि ज़्यादा आए कि क्या हो गया, वो आपको पता लगाना पड़ेगा। अब कैसे आप पता लगाएंगे, मान लीजिए आपको लास्ट 3 जो साल है, ठीक है, आपको उसका रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा सर, ठीक है। मीन्स आप मान लीजिए कि अभी हमारा क्या चल रहा है सर, 2021, ठीक है, 2021-22 का सेशन चल रहा है, ठीक है। अब हमारा मान लीजिए 2019-20 का था 2020-21 में, अब एक साल हमारा 50% आया, एक साल 60% आ गया, ठीक है। अब आप क्या चाहते हैं, और एक साल हमारा तो जो बेस्ट ईयर रहेगा आपका, ठीक है, जो भी बेस्ट ईयर रहेगा, आप उस ईयर का रेफरेंस लेके आप मॉडरेशन कर सकते हैं। अब मॉडरेशन का मतलब ये नहीं है कि अब मान लीजिए उस टाइम अगर 60% आया तो आप इस साल आप 100% कर दोगे रिजल्ट अपना, नहीं, उसका भी क्राइटेरिया है सर जो कि उस नोटिफिकेशन में दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए जैसे मैं आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ, जो आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ मैं, आप देखेंगे ना उसमें सारे पॉइंट्स बड़े क्लियरली। कई बार क्या होता है सर, इसलिए हम कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो CBSE ने काम किया बड़े परफेक्ट तरीके से किया है, जो भी मॉडिफिकेशन आप करोगे वो आप ध्यान में रख के करोगे। मॉडरेशन में आप प्लस माइनस 2 कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसको आप पूरा 100% नहीं बना सकते। अगर आप एक और पॉइंट पे नज़र मारेंगे, आप अगर आप नोटिफिकेशन आप जब देखेंगे, और जब हमारे जो भी हमारे स्कूल से वो देखेंगे, ठीक है ना, जो भी चीज़ चल रही है, ठीक है, जो भी चीज़ हो रही है उसको बड़े ध्यान से उन्हें वहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है, बड़े ध्यान से उन्हें मेंशन किया है कि आपको करना क्या, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और रिजल्ट कमेटी बॉडी का बड़ा ही अहम रोल रहेगा सर। सर मेरा अगला क्वेश्चन था कि जैसे इसमें जो मेंशन किया है कि जो आपको जितनी भी आप एक्टिविटी करवा रहे हैं या आपने जितने भी एग्ज़ाम लिए जो भी कुछ है, तो इन सभी रिकॉर्ड्स का क्या हमें मेंटेन करना पड़ेगा, या फिर इसकी क्या प्रोसीजर होगी अगर हम इसको मेंटेन करते हैं? सर अगर मैं आप प्रोसीजर की बात करें सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एज अ टीचर बात करता हूँ आपको, ठीक है, जो एक कमेटी मेंबर की तरह मैं आपसे बात करता हूँ। सर हमारे जैसे प्री बोर्ड्स कई बार क्या होते हैं, ऑफलाइन लिया तो आपके पास तो कॉपीज ऑफिस सब हो जाएंगी सर, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सर, ठीक है ना, जो बच्चों के हमने जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लिए हैं, जो भी कुछ लिया हुआ है हमने, ठीक है, वो भी हम सर अपने आप जैसे आप जो भी किसी प्लेटफॉर्म पर आप कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर ऑप्शन भी दिए जाते हैं कि आप अपनी रिजल्ट शीट्स को डाउनलोड कर लीजिए, आप अपने क्वेश्चन पेपर्स को संभाल के रखिए, ठीक है, तो आप चाहें तो उनका स्क्रीनशॉट्स लेके, ठीक है, जो मैं आपको एक एज अ मेंबर की तरह मैं आपको सिर्फ एक सजेशन दे रहा हूँ सर, मैं ये नहीं चाहता कि कोई किसी को अगर फॉलो करना है तो कर सकते हैं या नहीं करना कोई बात नहीं, बट मैं अपना सजेशन दे रहा हूँ सर, या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो उसका एक्सेल शीट डाउनलोड कर लें, उसको पूरा एक हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके, आपको पता है सर ऑनलाइन एग्जाम्स भी हुए थे, ठीक है, लोग इसको कार्ड्स बनाते हैं, स्कूल वाले कंसर्ट शीट्स बनाते हैं, तो वो सारा उसका प्रिंट आउट रख के सब चीज़ों को अच्छे से सेव करके, ठीक है, सील करके वो अपने पास रख सकते हैं, ठीक है, और उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो स्कूल के हेड है उनका रहेगा सर कि ये सिक्योर वे में वहाँ पे उनके उसमें रखा रहे सर ऑफिस में। जी सर क्या ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स है इसका कभी कोई वेरिफिकेशन होगा, कोई कभी कोई CBSE के जो ऑफिशियल से क्या इसका कोई वेरिफिकेशन कर सकते हैं? सर मैंने आपको कहा अभी परफेक्शन, CBSE जो भी काम करता है परफेक्शन के साथ करता है ना, और आपको नहीं पता कभी भी इसका वेरिफिकेशन हो सकता है ना, उसमें ऑफिशियल्स भी आ सकते हैं आपके पास, ठीक है, जो भी ऑर्डर्स आपके पास आएंगे आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, मींस जो स्कूल है उनको फॉलो करना पड़ेगा, और
हर चीज़ का, आपको भी पता है कि हर चीज़ का रिकॉर्ड होना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे अभी हमने बात की तो ऑफिशियल्स आएंगे, ठीक है, वो CBSE कंडक्ट भी करवा सकती है, क्योंकि सर ये बच्चों का सवाल है, क्योंकि क्योंकि जो अनबायस तरीके से ऐसा कुछ ना हो, सब मतलब अनबायस तरीके से सब कुछ हो, ठीक है ना, कि किसी के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो आप उसमें आपका, मेरे को लगता है कि ऑफिशियल्स वो भेज सकते हैं सर वेरिफिकेशन के। सर सपोज करिए कि हम मैं कोई स्कूल का एक टीचर हूँ और मेरे स्कूल ने ये सारी चीज़ें जो रखना है यानी कि डॉक्यूमेंट्स, वो उस टाइम पे जब ऑफिशियल्स आए मैं नहीं दे पाया या कोई स्कूल उसको उस समय नहीं प्रस्तुत कर पाया उनके सामने, तो इस कंडीशन में क्या CBSE उनके ऊपर कोई पेनल्टी लगा सकती है? हाँ सर, ज़रूर लगा सकते हैं सर। देखिए सर, ये काम तो मैं ज़्यादा इसमें नहीं बोल पाऊँगा कि CBSE का वर्क ज़्यादा रहता है, ठीक है, लेकिन आपको भी पता है सर कि अगर कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होती है, क्योंकि CBSE को पता है अगर बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि जबकि आपको इस नोटिफिकेशन में सारे पॉइंट्स का हल दिया हुआ है, ठीक है, अगर उसके बावजूद भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं या हमने इन्फॉर्म नहीं किया या रैशनल डॉक्यूमेंट में हमने उसको मेंशन नहीं किया, तो ऑब्वियसली बात है सर वहाँ से एक्शन ज़रूर आएगा सर। ओके सर, सर सपोज करिए हमने सारा एग्ज़ाम ले लिया, सब कुछ हमारे स्कूल में बहुत अच्छे से कुछ सब कुछ हुआ है, हमने बच्चों के मार्क्स अपलोड कर दिए, लेकिन हमें बाद में पता चला कि पर्टिकुलर दो बच्चों के मार्क्स हमने रॉन्गली इंटर कर दिए उसमें, तो क्या ऐसी कंडीशन में हमें फिर से एडिट या उसको चेंज करने का कोई ऑप्शन मिलेगा कि नहीं? सर उसमें जैसे आप देखेंगे, ठीक है, उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कि आप उसको अपडेट कर सकें सर, तो इसलिए जो रिज़ल्ट कमेटी रहेगी, ठीक है, उसका सबसे बड़ा रोल रहेगा कि जो भी मार्क्स वो एंटर कर रहे हैं, ठीक है, या जो भी मार्क्स ऑनलाइन दे रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दें, उसमें मॉडिफिकेशंस उसमें नहीं हो पाएगा। सर मेरा अगला क्वेश्चन था, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है ये, कि हमने सब कुछ किया, बच्चों के हर प्रकार से जो एग्ज़ाम लेना था वो ले लिए, सब कुछ करे, इसके बाद भी बच्चा अगर पासिंग जो लेवल है, पासिंग मार्क्स है, वो नहीं ले पाया, तो उस कंडीशन में क्या बच्चों को कंपार्टमेंट या फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा? हाँ सर, देखिए आपको क्या है, जैसे जब तक ये रिज़ल्ट नहीं आता है, चलिए एग्ज़ाम्स हो गए, सॉरी रिज़ल्ट हमने मार्क्स हमने सब एंट्री कर दिया, ठीक है सर, न्यू सेशन चालू हो गया, बच्चे को अलाउ रहेगा कि वो 11th क्लास में बैठ सकता है, ठीक है, जब तक रिज़ल्ट नहीं आता, ठीक है सर। अब मान लीजिए रिज़ल्ट आ गया, बच्चा कंपार्टमेंट आ गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो जो स्कूल है, जो स्कूल बॉडी है, उनके लिए फिर से उसको एग्ज़ाम देगी, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देगी, ठीक है, जो भी CBSE के सैम्पल पेपर्स रहेंगे, ठीक है, तो ऐसे में उसको कंपार्टमेंट मिल सकता है, या बच्चे को कुछ भी अगर कुछ ऊपर मार्क्स का प्रॉब्लम है तो ऐसा आपको उसमें कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आपको लेना पड़ेगा, बट ये रिज़ल्ट के बाद ही होगा जी। और सर वो जो 11th क्लास में अगर उसको बैठना है, सपोज करिए उसको कंपार्टमेंट आ गया है और उसको 11th क्लास में बैठना है, तो क्या जब तक रिज़ल्ट ओपन नहीं हो पाएगा, जब तक रिज़ल्ट ओपन नहीं होगा तब तक वो नहीं बैठ सकता, या उसको बैठने की अनुमति मिल जाएगी? सर मैंने कहा कि जब तक रिज़ल्ट डिक्लेरेशन नहीं होता तो वो तब तक तो बैठ सकता है। अब मान लीजिए उसको कंपार्टमेंट आ गया तो उसको वहाँ पर वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है सर। एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया, सपोज करिए उसकी पढ़ाई जा रही है, वो चाहता है कि मैं स्कूल में मैं अपने जो क्लास है वो अटेंड करूँ, उस कंडीशन में पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या वो बैठ सकता है? हाँ बिल्कुल बैठ सकता है सर, वो बिल्कुल बैठ सकता है क्लास। अगर वो बैठ सकता है तो फिर सर वो किस स्ट्रीम में बैठेगा? क्योंकि अब सपोज करिए उसको बच्चे को चाहिए साइंस, लेकिन उसकी आगे सप्लीमेंट्री, अब सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट आ गया तो क्या उस स्ट्रीम का क्या है, फिर उसका स्ट्रीम का क्या रहेगा कि कौन सी स्ट्रीम में जाएगा? सर आप जी, आप जब ये नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ही बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल पॉइंट्स हैं कि बहुत मदद कर सकता है। अगर आप बच्चे को अगर कोई भी स्ट्रीम ले सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन उसमें ले सकता है सब्जेक्ट का सर, उसमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि बच्चा को कोई रिस्ट्रिक्ट किया गया कि आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों का नुकसान होगा फिर सर, तो ये होगा। तो बच्चा किसी भी कॉम्बिनेशन किसी भी स्ट्रीम को ले सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट जो भी वो चाह रहा है वो भी ले सकता है वो सर, ठीक है। और जैसे जब रिज़ल्ट डिक्लेरेशन हो जाए, ठीक है, मैंने आपको पहले बोला, फिर वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो स्कूल है जो ऑब्जेक्टिव टाइप बेस पे क्वेश्चंस करवा सकता है, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स ले सकता है, जो भी CBSE के पेपर्स रहेंगे उसके हिसाब से, या जो भी आगे नोटिफिकेशन। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि सपोज करिए कि इस साल बच्चे ने बेसिक मैथमेटिक लिया है और इसके बाद वो नेक्स्ट ईयर मतलब कुल मिला के 11th क्लास में वो चाहता है कि यार मैं मैथ साइंस से पढ़ूँ, तो क्या कोई ऐसी है कोई जिस विंडो जिसके थ्रू वो चाहे कि नहीं मैं बेसिक लेकर भी हायर मैथमेटिक्स पढ़ सकूं? हाँ सर, अगर आप देखेंगे तो इसमें एक और पॉइंट बहुत अच्छा दिया गया बच्चों के लिए, जो बच्चे बेसिक भी ले रहे हैं, ठीक है,
वो मैथ सब्जेक्ट भी ले सकते हैं सर हाई क्लास में। अच्छा, जैसे पिछले दो साल में CBSE ने किया था उसी को एक्सटेंड शायद कर दिया होगा ना? हाँ हाँ, वो एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक है, तो बच्चा जो है, मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो नोटिफिकेशन है ना वो बच्चों के लिए इतना हेल्पफुल बनाया गया हुआ है, ठीक है, हाँ, ताकि उनके साथ कुछ चीज़ गलत ना हो सके। तो बच्चा वहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, जो ये क्लास है इसमें बैठ सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकता है, और बेसिक वाला मैथ्स का बच्चा भी मैथ्स स्ट्रीम ले सकता है सर, या मैथ्स सब्जेक्ट ले सकता है जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने बहुत ही आसान शब्दों में हम सबको, क्या होता है कि सर कोई भी CBSE कोई सर्कुलर आता है तो बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें होती जो हर इंसान को, या हर, क्योंकि हम वीडियो इसलिए बना रहे थे सर कि बच्चों को भी पता चले कि उनका जो असेसमेंट है किस प्रकार से होना है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से और आपने जिस तरह से समझाया है उसके माध्यम से सभी बच्चों को भी समझ में आया होगा कि किस प्रकार से उनका असेसमेंट होगा। तो इस सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, जी सर, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहूँगा, अपने जो आपके ज्योतिष मंत्र के दर्शकों से जो भी बच्चे मेरे को देख रहे हैं, है ना, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, एक्सपर्ट होने के नाते मैं अपने पॉइंट्स रख सकता हूँ, है ना, कि जो मेरे पॉइंट्स हैं, है ना, तो इसमें हम सबको साथ देना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी, स्कूल बॉडीज को भी, सब लोगों को, है ना। तो पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, आप नोटिफिकेशन पे आप ज़रूर जाएगा, जो भी स्कूल्स हैं ज़रूर देखिएगा उस नोटिफिकेशन में और क्या क्या पॉइंट्स उसमें हैं। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट्स हमसे छूटता है या बात नहीं कर पाए हम, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी इसमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो सर। और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया।